रुक कर लेते अगली खबर का। तो केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल दीपावली की खरीदारी करने बाजार में पहुंचे। उन्होंने फुटपाथ पर बेचने वाले दुकानदारों से दीपक, देवी की मूर्ति, मोरपंख, बताशे और दूसरी पूजन सामग्री खरीदी। मंत्री और विधायक को अपनी दुकान पर देख छोटे दुकानदार बेहद खुश नजर आए। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छोटे कारोबारियों और हथ ठेला वालों से बाजार शुल्क नहीं लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि छोटे दुकानदार भी अच्छे से दीपावली मना सके। जी आए थे जी, पूछे सुने मिट्टी के है, गाय के है, ये खरीदे है चार पांच दर्जन। और क्या किया उन्होंने? आशीर्वाद दिए हमने। तो आज हमने मिट्टी के हमारे दीपक जो है, हमारे जो कुंभकार भाई बहन है जिनके द्वारा उत्पादित है, मिट्टी की प्रतिमा बनाई है, जो विसर्जन में भी किसी प्रकार का कोई पानी में कोई नुकसान नहीं होता है, रासायनिक तत्व उसमें मिले भी नहीं है, तो नदियां भी हमारी स्वच्छ रहती है। पटाखे हमारी दीपावली की पहचान है, पटाखे हमारी संस्कृति का अंग रहे, लेकिन अब जो खतरनाक पटाखे बन रहे हैं, बारूद का जो ज्यादा उपयोग हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। जो हमारे परंपरागत जो पटाखे थे उनको बढ़ाया जाना चाहिए, और इस तरह के पटाखे जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें रोकना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और विधायक बैतूल में खरीदी करने पहुंचे फुटकर दुकानदारों से उन्होंने पूजा की सामग्री खरीदी। आपको बता दें कि बेहद नजर आए दुकानदार जब केंद्रीय मंत्री और विधायक उनके दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे।